नमस्कार, मेरा नाम अरुण कुमार, मैं बेलगावी कर्नाटका से बात कर रहा हूँ। गोल्डन आई 2021 में गोल्डन आई शेफ का फाइनल राउंड में मेरा सिलेक्शन किया है, इसलिए मैं सभी टीम गोल्डन आई को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा। मैं फाइनल राउंड के लिए आज सलाद बनाने जा रहा हूँ। आज मैं ग्रीन दाने और ब्राउन दाने यूज करके और कुछ वेजिटेबल्स फ्रूट्स यूज करके एक बढ़िया सलाद मैं बनाने जा रहा हूँ। ये लगभग 25 ग्राम तक है और ये अनार है। इसमें डालने के लिए थोड़ा बहुत इधर चिल्ली फ्लेक्स है और मिक्स्ड सॉल्ट है, ब्लैक सॉल्ट एंड व्हाइट सॉल्ट। और इसके साथ मैं थोड़ा टोमेटो यूज कर रहा हूँ, कुकुम्बर यूज कर रहा हूँ और कैरेट यूज कर रहा हूँ, लेमन एंड अनियन यूज कर रहा हूँ। ये सभी पहला मैं अभी क्या करता हूँ, इधर सभी टोमेटो को मैं छोटे छोटे पीस में काट लेता हूँ। मैं इतना पूरा थिंग्स इसीलिए लिया है, आप सबको मालूम ही है अभी पूरा वर्ल्ड में पेंडामिक का थर्ड वेव चल रहा है, सभी को विटामिन सी का बहुत बहुत जरूरत है। इसके साथ साथ विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब का भी जरूरत है। ये सब एक ही चीज से मिलना चाहिए और ये चीज कुकलेस ऑयललेस रहना चाहिए। ये मैं अभी टोमेटो कट करके रख दिया एक बाजू में, आप देख रहे हो। अभी मैं एप्पल लिया हूँ, एप्पल को भी ऐसा ही मैं छोटा छोटा पीस करने जा रहा हूँ। ये ग्रीन दाने और ब्राउन दाने में बहुत सारे मिनरल्स है, विटामिन्स है और इसमें इतना ना शक्ति है। अभी जो आज का बच्चे ने बाहर जाते हैं, जंक फूड खा लेते हैं, बाद में छोटा उम्र में मोटापन बढ़ जाता है, वो मोटापन से उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। वो कम करने के लिए अगर हमको, अभी मैंने एप्पल कट किया, अभी ऑनियन कट कर रहा हूँ। कोलेस्ट्रॉल से बचना है, हम फिटनेस बनाए रखना है, ऐसा है तो हमको ऐसा चीज़ों का इस्तेमाल करना जरूरी है। ये मैं सलाद जब बना रहा हूँ, इसको खाने से हेयर फॉलिंग कंट्रोल होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल जो रहता है बॉडी के अंदर उसको भी वो कम करता है। हार्ट डिजीज में प्रिवेंट करने के लिए भी ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लेमन है, मैं बाद में यूज करता हूँ इसको। अभी मैं क्या करूँगा, ये कुकुम्बर जो लिया हूँ मैं उसको ग्रेट करके लेता हूँ। इधर एकदम छोटा भी है, एकदम बड़ा है, मैं मीडियम साइज से इसको ग्रेट कर लेता हूँ, इसीलिए कि बहुत अच्छा स्लाइसेस आए, बाद में भी एकदम चटनी जैसा मत हो जाए, क्योंकि इसको हमने अभी बना रहे हैं, इसको हमने सुबह के ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं और डाइटिंग, जो बहुत सारे लोग डाइटिंग करते हैं, डाइटिंग के लिए भी ये बहुत उपयोग होता है। अभी कुकम्बर का हो गया, ये साइड कर रहा हूँ मैं। नाउ आई एम टेकिंग कैरेट, कैरेट को भी मैं ऐसा ही ग्रेट करके ले ले रहा हूँ। इसको मैं जो बना रहा हूँ इसको हम डाइटिंग के लिए भी यूज करते हैं। जब हम काम करते हैं, काम पे जगह पे जाना जाने का रहता है, हम इसको एक एयर टाइट कंटेनर में भर के ले जा सकते हैं, दोपहर भी इसको खा सकते हैं। और घर में छोटे बड़े ऐसा नहीं है, सभी लोग इसको खा सकते हैं, उम्र का कुछ ये नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन है, मिनरल्स है और ये हेल्दी फूड भी रहेगा। ये खाने से कुछ साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं होता है। अभी आप देख रहे हो, अभी मैंने इधर ऑनियन काट लिया और अभी टोमेटो तैयार हो गया। मैं इसके अंदर थोड़ा कोकोनट भी मिक्स करके लेता हूँ, ग्रेट करके
ले रहा हूँ। कोकोनट मैं इसीलिए डालता हूँ, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है और ये हमारा बॉडी के लिए इसके अंदर से भी हमको विटामिन सी का कुछ अंश और विटामिन के का कुछ अंश इससे मिलता है। स्पेशली मैंने इसको फ्रेश कोकोनट नहीं लिया हूँ, ड्राई वाला नहीं लिया है, इसीलिए कि इसके अंदर से भी हमको इसका फ्रेश कोकोनट वाटर का कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। स्पेशली साउथ इंडिया में विदाउट कोकोनट कुछ कुछ आइटम्स को हम लोग नहीं बनाते हैं। ये खाने से हमारा हेयर फॉलिंग भी कंट्रोल में आ जाता है और जो भी हेयर रिलेटेड डिजीज होता है ये भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। आप देख रहे हो ये सब मैंने अभी तैयार किया। मिक्सिंग के लिए अभी मैं बाउल ले रहा हूँ, मिक्सिंग बाउल। इसके अंदर फर्स्ट मैंने ये फ्रूट्स डाल रहा हूँ, लगभग 25-30 ग्राम तक है। इसको मैंने 12 घंटा बहुत अच्छा पानी में धो के इसको भिगवा के रखा था। इसके बाद ये फ्रूट्स इतना मस्त आया है एक एयर टाइट कंटेनर में 24 आवर रखने के बाद। अभी मैं अनार डालने जा रहा हूँ, ये भी लगभग उतना ही मात्रा में है। इसके बाद मैंने इधर गाजर डाल रहा हूँ, कैरेट, ये है कुकुम्बर और ये है कोकोनट, ये टोमेटो, बींग 100% ब्लाइंड और टोटली ब्लाइंड हमको विदाउट टच और विदाउट फील अभी आनियन भी मैं इसके अंदर मिक्स कर लेता हूँ। हमको ना ये विदाउट टच या विदाउट फील करना मुश्किल होता है। अगर हमने नॉर्मल लोगों जैसे स्पून के मदद से डायरेक्ट डालने गए तो बाजू में गिरने का संभावना ज़्यादा होता है। अभी मैंने इधर मिक्सअप करके दोनों साल्ट रखा था, व्हाइट और ब्लैक। ब्लैक साल्ट में अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी आप डाल सकते हो, मैं पहला ही माप करके रखा था इसको। अभी थोड़ा मैं चिली फ्लेक्स डाल रहा हूँ, इससे भी हमारे बॉडी में एक्टिवनेस आ जाता है चिली फ्लेक्स खाने से। अभी मैंने सभी आइटम्स इसके अंदर डाल दिया हूँ। अभी मैं इसको मिक्स करके ले रहा हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा मिक्सअप हो सके। जो भी मैं इसके अंदर मटेरियल आइटम्स डाला है ये सब से एसिडिटी भी कंट्रोल होता है, ब्लैक साल्ट से गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम भी खत्म होता है, ये हार्ट डिजीज के लिए भी प्रिवेंटिव है, हेयर फॉलिंग के लिए भी प्रिवेंटिव है और हमारे बॉडी के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो भी ये यूज करने से कंट्रोल 100% हो जाता है। अभी मैं एक सर्विंग बाउल ले रहा हूँ, अभी इसके अंदर में अभी जो मैं प्रिपेयर किया इसको मैं सर्व कर रहा हूँ। पहला मैं क्या कर रहा हूँ और एक बार इसको घुमा के प्लेट के अंदर डाल रहा हूँ। और मैं इधर कुछ टोमेटो का पीसेस और कुछ एप्पल का पीसेस रखा हूँ। आप चाहे तो ऐसा रख सकते हो, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हो। इसके अंदर मैं कुछ आइटम्स डाला है जो कुछ चीज इसमें से आप स्किप भी कर सकते हो। एग्जाम्पल एप्पल हो, अनार हो, ये स्किप कर सकते हो। कुछ लोग आनियन नहीं खाते वो आनियन स्किप कर सकते हैं और ये इसमें के अंदर कुछ चीज ऐड भी कर सकते हो। स्पेशली ये
डायबिटिक फ्री है, मैं जो बनाया है आज डायबिटिक फ्री है। कुछ बच्चे के लिए देना है, कुछ लोग खट्टा मीठा लाइक करते हैं, उसको हमने इसके अंदर 2-3 ड्रॉप हनी भी डाल सकते हैं। इसके सब होने के बाद मैंने अभी लेमन को इसके ऊपर थोड़ा मात्रा में स्प्रिंकल कर रहा हूँ। अभी वो स्प्रिंकल हो गया, अभी हम हमारा मिक्स वेजिटेबल स्प्रोट्स सलाद तैयार। थैंक यू, धन्यवाद।